ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर सबसे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसका सर्वे होगा तो फिर सभी हिंदू धार्मिक स्थलों का सर्वे भी होना चाहिए, क्योंकि 8वीं सदी में उन्हें बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था, जिसे शंकराचार्य ने तोड़कर मंदिर बनाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो फिर उस पर विवाद होगा। उन्होंने पूछा कि वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा, वहां की दीवारें चीख चीख कर गवाहियां दे रही हैं। मुस्लिम समुदाय को मानना चाहिए कि यह ऐतिहासिक भूल हुई है और खुद आगे बढ़कर इसका प्रस्ताव देना चाहिए ताकि इसमें सुधार हो सके। वहीं बसपा सुप्रीमो ने इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर बिना किसी वजह टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना हमला किया और कहा कि जिस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ कहा गया और बीजेपी की ओर से ज्ञानवापी पर प्रतिक्रिया सामने आई, उससे विवाद और भी बढ़ सकता है। ऐसे में ये दोनों पार्टियों की कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, जो कि बेहद गंभीर मामला है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर बयानबाजी कर रही है। वही बसपा सुप्रीमो का कहना है कि यह दोनों पार्टियों की कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। खैर, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है ये देखने वाली बात होगी।